ये पिछले 4-5 वर्षों में आपने ऐसे बयान एक नहीं अनेक बार आम आदमी पार्टी से सुने होंगे, जिस पार्टी का आधार ही झूठ पर बना है, एक से एक बड़ा झूठा आम आदमी पार्टी में, और झूठ बोलकर ये राजनीति में आए, राजनीति में आके भ्रष्टाचार किया, और जिस रामलीला मैदान में कभी इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी रैली की थी वहाँ पर सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके रैली की है। ये दुर्भाग्य है, मुझे पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। हर वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयानों को सुनता है, जो कभी ईमानदारी की बात करते थे आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नजर आते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, पीड़ा होती है उस वोटर के लिए जो बेचारा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जो 9 बार ईडी का समन आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल नहीं होते। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे इस कुर्सी पर कोई भी बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो उन्होंने सच करके दिखाया भ्रष्ट हो गए, वो कट्टर बेईमान हो गए। बड़ा दुर्भाग्य साहब, देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, कितना ठगा हुआ महसूस करती है दिल्ली की जनता। और वो लोग जो कल तक इनके आंदोलन के साथ जुड़े थे आज उनको कितना कष्ट पीड़ा होती होगी, ये कितने झूठे लोग हैं जो झूठ बोलकर वोट तो पाए लेकिन भ्रष्टाचार करके मलाई भी खाई, अब जेल भी खा रहे हैं।